ब्रेक तो बाद सारे दर्शकों का स्वागत खबर के सिलसिले में तोरदे अगे संगरूर की लोग सभा सीट से हो जा रही जिमनी चोण को लैके नामजदगियों का दौर अज खत्म हो गया। नामजदगियां दाखिल करन दे अखीरले दिन वख-वख पार्टियां दे उम्मीदवारों वालों आपो अपने कागज़ दाखिल किए गए। श्रोमणी अकाली दल वालों कमलदीप कौर राजवाणा, कांग्रेस तो दलबीर गोल्डी, भाजपा तो केवल ढिल्लों ने अपनी नामजदगी के कागज़ दाखिल किए। तीन तस्वीरां तुसीं वेख पा रहे हो, कमलदीप कौर राजवाणा अकाली बसपा उम्मीदवार, भाजपा के उम्मीदवार केवल सिंह ढिल्लों, जबकि कांग्रेस के दलबीर गोल्डी वालों आपो अपने कागज़ दाखिल किए गए। नामजदगियों का दौर आज खत्म हो चुका है संगरूर लोक सभा जिमनी चोण के लिए। असी दिन रात मेहनत करांगे, बाकी लोगों ने फतवा देना कि वह कहे जे बंदे नूं जिहड़ा लोक सभा दीआं पौड़ियां चढ़ाउणे चढ़ाउणे। सारे नाल ही फाइट हुंदी आ भाई, इलैक्शन कोई सौखी नहीं हुंदी, ठीक है ना। असी आपदी विचारधारा की गल करांगे, बाकी पार्टियां आपदी विचारधारा। 25,000 करोड़ की इंडस्ट्री असी सेंटर तो ये केवल ढिल्लों, तुम मैनू जिताओ, फतवा दो। मैं पंजाब के लोगों को अपील करदा कि थोड़ा वीर किसानों की सारे पंजाब की जी आर्थिक हालत आसी लैके पार्लियामेंट के आवाज उठावे। अगे वध्या संगरूर जिमनी चोण के लिए बीबी कमलदीप कौर राजवाणा ने भी नामजदगी दाखिल कर दी। उन्होंने कहा कि बंदी सिंघां दी लड़ाई वास्ते चोण मैदान दे विच नितरियां। सुखबीर सिंह बादल ने भी सारिया पंथक धिरां तों सहयोग की अपील की, सियासी मतभेद भुला के सारिया नूं इकट्ठिया होने की अपील करते विखाई दिते सुखबीर सिंह बादल। सिमरजीत सिंह मान तो भी सहयोग मंगया गया सी, चोण लड़न की जिद ते अड़े रहे सिमरजीत सिंह मान, यह कह रहे सुखबीर सिंह बादल का। फिलहाल तुहानूं दस दईए बीबी कमलदीप कौर राजवाणा संगरूर जिमनी चोण के लिए अकाली बसपा के सांझे उम्मीदवार हैं, जिन्होंने सारिया नूं सियासी मतभेद भुला के पंथ के लिए एकजुट होने की अपील की। एक कल्ली महिला, एक कल्ली भैन जो पिछले 26 सालों तो अपने भरा की रिहाई की लड़ाई लड़ रही सी, सोचा जा सकता है कि उस च किन्ना हौसला होना है, वो मानसिक तौर पर किन्नी क मजबूत होगी जो अज भी अपने भरा नूं अपने पंथ नूं इंसाफ दवाउण दे लई लगातार कोशिशां कर रही है। हर तरह के हालात का सामना करके भी वह अपने हकों के लिए डटी हुई है। यही वजह है कि उसके मोढ़ियां ते हुण पंथ की सेवा करन की जिम्मेवारी सौंपी गई है। ना सिर्फ पंथ सगों पूरे संगरूर की सेवा करन की जिम्मेवारी पाई गई है। एक सिंघणी जो अज तक अपने भरा बलवंत सिंह राजवाणा की रिहाई दे लई लड़ाई लड़ रही सी, वह हुण हर उस बंदी सिंह की रिहाई दे लई आवाज़ बुलंद करेगी जो सजा पूरी होने के बावजूद भी जेलों तो पार नहीं आ सके। उन्हां बंदी सिंघां दे परिवार ने भी ऐसे लई कमलदीप कौर उत्ते भरोसा जताया है कि जे अजिही महिला देश की संसद च पहुंच के सिखां दे नाल हो रहे धक्के खिलाफ आवाज चुकेगी तो वह जरूर सुनी जाएगी। अजिहे च संगरूर लोक सभा जिमनी चोण दे श्रोमणी अकाली दल अते सारिया पंथक धिरां दी सांझी उम्मीदवार वजों कमलदीप कौर राजवाणा ने नामजदगी पत्र दाखिल कर दिते ने। इस दौरान उन्होंने नाल अकाली दल प्रधान सुखबीर सिंह बादल भी मौजूद सन। धर्म से हमला किया गया सी, श्री अकाल तख्त साहब जी से हमला किया गया सीगा, उन्हां दे उस साडे धार्मिक स्थानां दे अपमान का बदला लैण लई साडे वीर घरों तुरे सीगे, जिहड़े कि 28-28, 30-30 सालों तो जेलां दे विच बंद ने। मैं इत्थे कहना चाहुंदी हाँ कि जिहड़ा साडे वीरां दा जीवन आ, जिहड़ा परिवारां ने संताप हंडाया गा, जिहड़े साडे वीर जेलां दे विच बैठे ने उन्हां दा जीवन साडे शहीदां नूं सिजदा गा। तो इस वक्त यह आ कि साढ़े नाल बहुत वड्डी बेइंसाफी हो रही आ कि 28 सालों बाद भी इन्ना संघर्ष करन दे बाद भी सारिया सिख जथेबंदियां सारे खालसा पंथ वल्लों संघर्ष किया गया,
ਪਰ ਵੀਰ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੀਬੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੇਨਤੀ ਆਈ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੋ ਕਿ ਪੰਥ ਦੀ ਜਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਾਂ नामजदगी दाखिल करन दे लई ओह दिन चुनिया गया जो सिख पंथ दे हिरदियां ते कदे ना भरन वाले नासूर वरगा है ओह दिन जदों हजारां बेकसूरां सिर्फ उन्हां दे पंथ करके शहीद कर दिता गया अजिहे च सिख पंथ इस दिन नूं ना भुले ते सिखां नूं अजिहे जखम देण वालियां तों बदला लैण वाले सिंघां नूं भी ना भुले इसे लई सिख पंथ एक बार फिर तों इकट्ठा होया ते कौम तों कमलदीप कौर राजवाणा की जित की अपील कर रहे देश के प्रधानमंत्री चिट्ठी लिखी केजरीवाल चिट्ठी लिखी क्योंकि प्रोफेसर भुल्लर साहब एक दिन एक घंटे च रहा हो सकते हैं क्योंकि कल्ले दस्तखत केजरीवाल के चाहिए कल्ले दस्तखत थलों भी सारी सरकार के अफसर ने लिख दिता कि इन्हों रिहा किया जाए पर वो दस्तखत नहीं कर रहे सत महीने हो गए असी पार्टी ने बेनती की मान साहब मैं आप गया उन्होंने घर मैं क्या मान साहब आ समा सियासी लड़ाई लड़न का नहीं है बंदी सिख परिवार छुड़ाने का मसला है मान साहब तुसी साडे नाल रल के कोई भी चुन लो किसी नूं भी चुन लो परिवार चो पर वो अपने जेते अड़े कि मैं तो लड़ना ही लड़ना है सो मैं अज सारी कौम नूं पंथ नूं आई बेनती करना चाहना है साढ़े कोई फर्क होंगे सियासी साढ़े डिफरेंस होंगे पर इस इशू ते इस मुद्दे ते आप सारे कट्ठे होइए भैन कमलजीत राजवाणा जी नूं आपां जताइए एक सेंट पार्लीमेंट भेज के एक सुनेहा दईए कि कौम साढ़े जिहड़े योधे है जिहड़े इन्ने साल सफर कर चुके है वो जेलां च बाहर आउण बलवंत सिंह राजवाणा प्रोफेसर दविंदरपाल सिंह भुल्लर सने अजिहे होर किन्ने बंदी सिंह ने जो अपनियां सजावां पूरियां होण दे बावजूद जेलां तो रिहा नहीं कीते जा रहे ते सिखां दी इस मंग नूं मौजूदा सरकारां वल्लों लगातार अणगौलियां कीता जा रहा जिस करके पहला बंदी सिंह रिहाई मोर्चा ते फिर श्रोमणी अकाली दल सने सारियां सियासी ते पंथक जथेबंदियां वल्लों अपना सांझा उम्मीदवार जिमणी चोणां च उतारन दा फैसला कीता गया बीटीसी न्यूज लई संगरूर तो रविंदर मीत की रिपोर्ट ता बीबी कमलजीत कौर राजवाणा ने अपनी नामजदगी अज दाखिल कर दिती है इस लैके सुखबीर सिंह बादल ने ट्वीट किया ट्वीट करके सुखबीर सिंह बादल ने की लिखा है वह दसदा तुम सुखबीर सिंह बादल लिखते हैं कि श्री अकाल तख्त साहब के हुक्मों की पालना करदिया समूह पंथक जथेबंदियों के नाल मिलकर श्रोमणी अकाली दल ने बीबा कमलदीप कौर राजवाणा संगरूर लोग सभा जिमनी चौन का उम्मीदवार चुनिया है ता जो भाई बलवंत सिंह राजवाणा सने सारे बंदी सिंह जड़े उम्र कैद की सज़ा पूरी कर लैन के बावजूद जेलों च कैद ने ते भारी तकलीफा चो लंघ रहे उन्होंने रिहाई लई संसद ते सरकार नू सख्त सुनेहा दिता जा सके पिछले 28 सालों तो भाई राजवाणा 8x8 फुट की काल कोठड़ी च सड़ रहे ने अते सिवाय एक बार सिर्फ अपने पिता के संस्कार च शामिल होने की मिली आग्ञा तो बिना उन्होंने कदे पैरोल नहीं दिती गई समूह पंजाबियों नूं मेरी अपील है कि वह बंदी सिंघां दी रिहाई के कौमी मसले के हल वास्ते सारे सियासी मतभेदों का त्याग करन इस तो पहला भी पंजाबी भाईचारे ने 1989 दे विच सरदार सिमरजीत सिंह मान की गैर हाजिरी के बावजूद एकजुट यतना दे नाल लोक सभा चोणां च उन्होंने जिताया जिस के नतीजे वजो उन्होंने जेल तो बिना शर्त रिहा किया गया सी अज सानू मुड़ उसे एके दी लोड़ है यह ट्वीट किया गया सुखबीर सिंह बादल वालों उधर अकाली उम्मीदवार कमलदीप कौर राजवाणा ने सुरक्षा लैन तो इनकार कर दिता जी हाँ कमलदीप कौर राजवाणा ने संगरूर के SSP ते DC नूं बकायदा चिट्ठी लिख के इस गल तो इनकार कर दिता सुरक्षा लैन तो इनकार कर दिता उन्होंने कहा कि
मेरा पंथक शहीदां दे बंदी सिंघां दा परिवार है, मेरी सुरक्षा खालसा पंथ करेगा। यह कहना है कमलदीप कौर राजवाणा का। जी हाँ, तुहानूं दस्सिए कमलदीप कौर राजवाणा ने सरकारी सुरक्षा लैण तों इनकार करदिआं स्पष्ट कर दिता है कि मेरी सुरक्षा खालसा पंथ करेगा, मेरा पंथक शहीदां दे बंदी सिंघां दा परिवार है, मैनूं इह सरकारी सुरक्षा नहीं चाहीदी, मेरी सुरक्षा खालसा पंथ करेगा। यह कहना है कमलदीप कौर राजवाणा का। तुहानूं दस्सिए संगरूर जिमनी चोण दे लई अकाली बसपा के सांझे उम्मीदवार ने बीबी कमलदीप कौर राजवाणा। अपनी फेसबुक पोस्ट के राही बीबी कमलजीत कौर राजवाणा ने लैटर लिखा। सेवा विखे डिप्टी कमिश्नर साहब, SSP साहब संगरूर, विशा सिक्योरिटी ना लैन संबंधी। श्रीमान जी, मैं कमलदीप कौर राजवाणा, पत्नी श्री बलजीत सिंह वासी 1394 गुरु अंगद देव नगर फूलावाल लुधियाना की रहन वाली हाँ। सेवा विखे डिप्टी कमिश्नर साहिब, SSP साहिब संगरूर, विशा सिक्योरिटी ना लैंड संबंधी। श्रीमान जी, मैं कमलदीप कौर राजवाणा, पत्नी श्री बलजीत सिंह वासी 1394 गुरु अंगद देव नगर फुलावाल लुधियाना दी रहन वाली हाँ। मेरे वालों श्रोमणी अकाली दल वालों लोग सभा चोण जून 2022 संगरूर 12 तो लड़ी जा रही है। ये चोणा मैं बंदी सिंघां दी रिहाई, कौमी इंसाफ ते सभ्यक समाज दी लोड़ लई अपने भरा सरदार बलवंत सिंह राजवाणा जी, जो कि 27 सालां तो जेल च बंद ने अते पिछले 15 सालां तो 8x10 दी फांसी कोठी विच बंद ने, उन्हां लई लड़ रही हां। मेरा अते मेरे वीर दा साडे समाज विच बहुत सत्कार है, सारे इंसाफ पसंद लोकां दा सानू साथ है। मैं पंथ दी धी हां अते खालसा पंथ साडा रक्षक है। आप जी वालों दिती जा रही सिक्योरिटी दी मैनू लोड़ नहीं है, मैं धन्नवाद सहित बेनती करदी हां कि यह सिक्योरिटी वापस लई जावे। आप जी दी शुभचिंतक कमलदीप कौर राजवाणा। तां बीबी कमलदीप कौर राजवाणा वालों यह चिट्ठी लिखदिआं सरकारी सुरक्षा लैण तों इनकार कर दिता गया। अगे वधे सीनियर अकाली आगू प्रोफेसर प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने सिमरजीत सिंह मान नूं अपील की थी कि वह बंदी सिंघां दी रिहाई दे लई संगरूर जिमनी चौन च सांझी उम्मीदवार बीबी कमलदीप कौर राजवाणा दे हक च अपने कागज वापस लै लैन। होर की कुछ उन्हां क्या सुनदे आ। श्रोमणी अकाली दल ने उन्हां जथेबंदियां दी अपील नूं मंनदिआं होइआं, जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब दी अपील नूं मंनदिआं होइआं, जां अज दे हालातां विच महसूस करदिआं होइआं कि पंथ नूं इकजुटता दिखाउणी चाहीदी आ, तां अपना जिहड़ा उम्मीदवार दे तौर ते राजवाणा साहब की भैन कमलजीत कौर नूं अपना उम्मीदवार मान लिया और अपना चोण निशान दिता। असी जाके भी बेनती की आ सत सिमरजीत सिंह जी मान हुरां कोल, हुण भी असी अपील करांगे, हुण भी असी कोशिश करांगे कि भावें नामजदगी पत्र कर ले दाखिल पर अजे वापसी 9 तरीक तक वापसी तो पहलां समुचा पंथ एक सुरता एक जुड़ता दिखाउण लई एक उम्मीदवार ही इस चोण विच उतारे तां सानूं खुशी होएगी। अकाली दल उस गल दा हामी हो। इस दे नाल रुकांगे इत्थे, छोटे जिहे ब्रेक दे लई। ब्रेक दे उस पार भी खबरां दा सिलसिला रहेगा जारी।